Hello everyone, welcome to my channel. My mind is art. In today's video, I am going to share with you how I edit my videos using iMovies. So this has been a very hot topic and a highly requested video by you all. I get a lot of requests, a lot of DMs, messages from you guys. You ask me how do I do this. So here I am with this video. I also did a poll on Instagram wherein 70% people said yes, they want a video, they want a tutorial. So here I am, guys. If you are interested, then please continue watching. Also, I have the timestamps listed on my screen, so if you are looking to watch a particular section, then you can just go and watch it. So anyway, without any further delay, let's get started. Okay, so सबसे पहले let's start with the equipments required. This is the first segment of the video कि हमें क्या-क्या equipments की ज़रूरत होती है. तो सबसे पहले the first thing is you need your iPhone. This is my iPhone 11. I use this for filming also, but now I'm using a different phone. But I use this ये बहुत ही ज़्यादा important है. The next thing is MacBook. मेरे पास MacBook Air है 2018. मैंने 2018 में इसे buy किया था. I have a MacBook. So this is really important stuff. And the third is and अगर आपके पास MacBook वगैरह नहीं है तो आप iPad भी use कर सकते हो. ये मेरी friend का है तो I am just using it for reference. So yeah, these are the equipments which you require. And why? Because हम iMovies पे सीख रहे हैं कैसे edit करते हैं videos. तो iMovies is limited to iOS. So you definitely need an iOS device. Okay, so now let's move on to the second segment of this video, and the second segment is the apps you need. If we talk about MacBook, तो आपको MacBook पर सिर्फ और सिर्फ iMovies चाहिए. And if we talk about iPhone, then iPhone के लिए आपको चाहिए Fonto and PicsArt. These are the two apps which you need. So आप इन्हें पहले ही डाउनलोड कर लो, so that जब आप एडिटिंग करना स्टार्ट करो आपको इजी हो जाए. वन मोर थिंग गाइज, एडिटिंग अगर आ जाए तो बहुत ईजी है, नहीं आए तो कुछ भी इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो मैंने जो सीखी एडिटिंग वो ओवर द टाइम प्रैक्टिस करके है. हाउ आई लर्न माई सेल्फ, खुद एक्सप्लोर कर एक बार यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा था कुछ चीज़ों का. एंड या सो अगर आपको भी सीखनी है तो आपको ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड आपको एडिटिंग आ जाएगी. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. तो ये जो दो ऐप्स हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप्स हैं एंड ईजी इंटरफेस है अगर आपको एक बार आ जाए. मैं इन्हें काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, सो इसलिए आई एम वेरी अ प्रो एट यूजिंग दीज ऐप्स. मुझे सारे इनके टूल्स ट्रिक्स सब कुछ पता है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू नो तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा. मैं थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी इस वीडियो में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, विच इज सम ऑफ दी कीबोर्ड शॉर्टकट्स. सो जैसे विंडोज अगर आप यूज करते हो तो उसमें कट के लिए होता है Ctrl+X. सिमिलरली मैकबुक में भी या फिर आई मूवी में भी कट करने के लिए किसी क्लिप को या फिर किसी चीज को हम यूज करते हैं Command+X. फॉर कॉपिंग Command+C. फॉर पेस्ट Command+V. एंड इफ यू वॉन्ट टू स्प्लिट अ क्लिप, एक क्लिप को बीच में से स्प्लिट करना है, उसके लिए है Command+V फॉर बॉल. So these are some basic iMovie shortcuts, keyboard shortcuts. These are prerequisites, आपको ये पता ही होने चाहिए. So let's move on to the next segment of the video, which is talking about sound or music. So this is a very 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 common and very well known. आपको already पता होगा कि music कैसे add किया जाता है. You have to use non-copyright music, which is available on YouTube Creator Library, or you also have it available ऑन ये YouTube चैनल पे नॉन कॉपीराइट साउंड्स करके एक चैनल है, उसकी भी आप साउंड यूज कर सकते हो. बस आपको मेंशन करना होता है जैसे आपने साउंड ली है. सो या आप YouTube की अपनी आई मूवीज की लाइब्रेरी में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जैसे डॉइंग एंड ऑल दो साउंड, यू नो टाइपराइटर की साउंड, टीवी की साउंड एंड ऑल दो साउंड, वो सब अवेलेबल हैं. मेक श्योर कि आप नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक ही यूज करो, बिकॉज अगर आप कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज करोगे तो आपके ऊपर क्लेम आ जाएगा चैनल पर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक. सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, कुछ और वेबसाइट्स आई विल ट्राई टू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट सो दैट इट्स ईजी फॉर यू. देर आर वेरियस पेड प्लेटफॉर्म्स एंड अनपेड प्लेटफॉर्म्स एज वेल. मैं अभी तक कोई भी पेड प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर रही हूँ अपनी एडिटिंग की किसी भी चीज के लिए. Okay, so now let's talk about how to add a green screen. So this I am going to show you on my MacBook. आप देख सकते हो मैंने. Okay, so सबसे पहले you have to open YouTube and then you have to search for green screen. Suppose आपको चाहिए कुछ comedy green screen चाहिए, या फिर जो TV पे जैसे जब वो TV screen वाला जो green screen आता है वो ढूंढना है. तो हम इस पर सर्च करेंगे
TV screen, green screen. And you can see there are so many. तो हम इसमें TV screen glitch करते हैं. And you can see there are so many available. तो ये no signal वाला मुझे ये चाहिए. तो I will open this and this is how it is. तो अब मैं इसको share करके इसको copy करूँगी. Yeah. So अब मैं अपने browser पे जाऊँगी and then I will open n dot okay, it's coming. n.savefrom.net and इस पर see, as you can see, ये जो है एक tool है जिससे आप YouTube videos download कर सकते हो. So then I will press command plus V and मेरा video link यहाँ पे paste हो गया. Then I will click on download. यहाँ पे options हैं, आपको download करना है ये MP4 720p और 360p. मैं 720p पे ही download करती हूँ and then I will click on download. ये एक ad open हो जाता है, मैंने इसको close कर दिया, close everything. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये download हो रहा है. Yeah, so it has downloaded and now you can see. This is how it looks. बहुत सारे different यहाँ पे हैं. तो ऐसे ही कोई और, I'll show you one more. ऐसे ही कोई भी green screen हो आपको download करना है तो आप इसी method से download कर सकते हो आराम से. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. I'll show you. जैसे ये mobile का अगर मुझे template लगाना हो. Okay, so let's see two aesthetic green screen effects. See, ये है जैसे Instagram के लिए है butterflies. Yeah, so I want this suppose. So I'll share, I'll copy and then I'll go to my browser, I'll paste it here, I'll download. And it's downloading now. You can see. Let's wait for it to download. Yeah, so it has downloaded. So ये है वो video. इस पे different green screen effects हैं. वो use कैसे करना है? I will just teach you right now. ये हो गए हमारी दो videos download. Okay, so now let's minimize it. अब इसको add कैसे करना है? Suppose मैं यहाँ पे कोई भी random अपने intro वाली clip add करती हूँ. So this was my last video, my Amazon Kurti haul. So let's edit this and इस पे मैं कुछ green screen add करती हूँ. अब जो मैंने green screen add करी, I will import it from my media section. I'll go to import. You can see this button right here, this import button. I'll click on this and then I'll go to desktop and I'll find my ये रहा. I'll import these two. Import select. Now suppose मुझे यहाँ पर देखो. Suppose मुझे इस section पर green screen add करनी है, तो सबसे पहले तो as I said the command control plus B, so it splits its my clip and then मैं यहाँ पे इसको add कर दूँगी. अब मुझे यहाँ से ना मैं इसको से drag करके छोटा कर सकती हूँ, जो भी मुझे clip add करनी है, जो भी effect add करना है. Suppose मुझे ये recording वाला add करना है. ये यहाँ तक है, so I'll just अभी सिर्फ बात नहीं use करते, यहाँ पे है. अब जब मैंने इसको ऐड किया तो अभी ये ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, तो हम इसकी सेटिंग कैसे चेंज करनी है. आई विल क्लिक दिस एंड देन यू कैन सी आई विल गो ग्रीन और ब्लू स्क्रीन एज यू कैन सी एंड या दैट इज इट आई गेस. या सो नाउ व्हेन यू विल प्ले दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू माय Amazon Kurti, यू कैन सी यहां पे इफेक्ट आ गया है ये ग्रीन स्क्रीन वाला. सो आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑफ दिस. इजी राइट? So now let's move on to the next segment, which is like maybe you were waiting for this segment. बहुत ज़्यादा easy है, बहुत ज़्यादा interesting segment है ये again. Okay, so अब हम देखते हैं जो मैंने star intro and outro जो अपनी video में बनाया हुआ है. Like I'll show you just now. नाती हूँ, आप देख सकते हो इस वाले intro की मैं बात कर रही हूँ. So now let's see how to make that. तो सबसे पहले okay, so phone जब आपने open किया, so first we will go to PicsArt. Let's wait for it to load. Then plus button and then we'll scroll down and यहाँ पे जो colored backgrounds हैं, इसमें से let's go to the color picker and let's choose a color. So I want this very beautiful pastel bluish color, sky blue. Yeah, this color is fine, I think. Oh, yeah, this is a free app, so यहाँ पे ads की आपको problem रहेगी. बाकी then I'll go to tools, crop and then I'll go till the end. एंड इसमें जाके ये YouTube वाला सेक्शन आ गया है. इतना अब मैंने इसको क्रॉप कर लिया, सो अब ये मेरा YouTube की जो वीडियो होते हैं वो वाला लेआउट है. नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट अगेन ऐड एंड आई विल सेव एंड आई विल डाउनलोड फोटो. या सो द फोटो हैज बीन डाउनलोडेड. नाउ आई विल गो टू द फोंटो ऐप एंड आई विल फोटो एल्बम्स एंड देन आई विल अपलोड दिस फोटो. आई विल ऐड दिस फोटो
अब इस पर आप एड टेक्स्ट करो. अब सपोज मैंने उसमें तन्वी गुप्ता लिखा हुआ है, तो तन्वी गुप्ता. अगेन गाइज, आप जैसे जैसे यूज करते रहोगे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे ये ऐप्स यूज होती हैं. मुझे आता है, सो लाइक आई एम वेरी फ्लुएंट इन यूजिंग दीज ऐप्स, सो इस वजह से मैं इतना इजीली कर लेती हूँ. बाकी जैसे जैसे आप यूज करते रहोगे आपको समझ आ जाएगा. सो नाउ आई हैव एडेड द टेक्स्ट. नाउ लेट्स, थोड़ा सा साइज और बड़ा चाहिए मुझे इसका. या सो फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं इस पे, ये रहे सारे फॉन्ट्स. फॉन्टो ऐप पे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप अपने डाउनलोड भी कर सकते हो. एनी वे, सो नाउ लेट्स मूव and let's style this. So color, I think I'll do the dark blue and then I'll add a stroke. Main 7 with 7 rakhti hu main apne stroke ki, 7 to 8. Yep. Color, I think this, no. Yeah, style mein thodi si shadow add kar dete hain hum. White shadow will look nice. Yeah, this seems nice. Thoda alignment. Yeah, I think I'm satisfied with this. So now I will save this image. Okay. And now I will switch on to PicsArt again. And then I will import that image to PicsArt. And then yahan se main stickers wale section pe jaungi. And yahan pe upar jo search bar hai, wahan pe I'll stars. Suppose, yeah, you can see bahut sare different free stickers aa jayenge. Aap koi sa bhi us pe dal sakte ho. Suppose, let's do this one. Yeah. So I'll zoom this in and then I will blend and I'll do this to screen. So, oops, what is this? Overlay. Yeah, this one looks nice. मैंने overlay select किया इसमें, so ये blue color के हो गए. Oh. Yeah, so ये blue color का हो गया. So yeah, I think this is good. Now I'll apply this and I'll save this again. Now I will again apply the stars, but I will see. अब मैं दोबारा same stars use करूंगी, but उन्हें हल्का सा tilt कर दूंगी. Yeah. And if blend, oh no. Then I'll do blend and overlay. Yeah, apply, next, save, download photo. So now I will go to my gallery and I will import these both photos to my MacBook, Tanvi's MacBook Air. Send, done. So yeah, meri MacBook mein dono photos aa gayi hain. So now I will use these photos and I will insert this in my media. As you can see, इसको मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ. एंड इन दोनों का जो टाइम फ्रेम है, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं 0.5 कर दूंगी. एंड देन आई विल रिपीट इट लाइक कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी सी. सो नाउ इफ यू विल प्ले दिस, यू कैन सी हाउ द स्टार्स आर मूविंग, राइट? सो दिस वॉज वेरी ईजी. इसी तरह से मैं अपना इंट्रो बनाती हूँ. एंड जो मैंने अभी जो इंट्रो यूज कर रही हूँ मैं, उसमें मैंने ग्रीन स्क्रीन इंस्टॉल डाउनलोड कर ली थी फ्रॉम यूट्यूब स्टार्स वाली, एंड वो मैंने उसमें डाली हुई है. वो जो स्टार्स वाला है वो ग्रीन स्क्रीन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट. इस वीडियो में बस मैं एक और चीज बताऊंगी, जो की है कि मेरे को कोई फॉन्ट ऐड करना होता है तो मैं कैसे ऐड करती हूँ. इफ यू आई मूवी के फॉन्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टाइटल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फॉन्ट्स हैं. एंड आई डोंट लाइक दीज फॉन्ट्स. अगर आप देखो बहुत ज्यादा सिंपल एंड बेसिक है. प्लस इसमें जो है एक इशू भी रहता है कि आप लाइक वी कैन नॉट मूव दीज फॉन्ट्स. हम इन फॉन्ट्स को एक ही जगह जहाँ पे आई मूवी ने दे दिया है वहीं पे रख सकते हैं, इसको मूव नहीं कर सकते. सो आई डोंट रियली लाइक दिस. सो फर्स्ट वील गो टू द फॉन्टो ऐप एंड देन आई गो टू प्लेन इमेजेस. आई डू दिस कलर, आई सिलेक्ट अ कलर. सपोज इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज मुझे तो पीएनजी बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं या फिर मैं या आई कैन यूज अ ग्रीन स्क्रीन कलर. अप्लाई क्रॉप, हम इसको 16:9 रेशो में कर देंगे. वेयर इज इट, आई जस्ट डू यूज. एंड इस पर जो भी मुझे फॉन्ट ऐड करना है, सपोज आई वॉन्ट टू एड ओ माई गॉड, सपोज आई वॉन्ट टू एड ओ माई गॉड, आई एड दिस, आई इंसर्ट इट हेयर. इट डजेंट रियली मैटर, आप कहीं भी इंसर्ट कर दो बिकॉज ग्रीन स्क्रीन है तो पीछे वाली स्क्रीन तो रिमूव ही हो जाएगी. देन आई विल स्टाइल इट, आई एड येलो एंड देन ब्लैक, मे बी स्ट्रोक 7 point and then a little shadow because I really like to play with my shadows. Yep. And then I will just like directly airdrop it to my MacBook.
And yeah, okay, so now I have imported this photo to my MacBook and now I am going to open my browser again. And इसपे आप ये चीज फोन में भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो, सिंपली बैकग्राउंड इरेजर बेसिकली आपको सर्च करना है, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज. इस पे हम वो इमेज अपलोड करेंगे. अपलोड इमेज, आई कैन जस्ट ड्रॉप अ फाइल, सो व्हाई नॉट डू दैट. ओके, सो या एज यू कैन सी यहाँ पे हो गया है. नाउ आई विल डाउनलोड दिस पिक्चर. अलाउ. ओके, सो आई हैव दिस पिक्चर एंड नाउ आई एम गोइंग टू एड दिस इनटू माय प्रोजेक्ट. एज यू कैन सी, वाओ, परफेक्ट. सो नाउ आई वांट टू एड दिस हेयर. सो सबसे पहले मैं इसको कट में नहीं, मैं इसको पिक्चर इन पिक्चर कर दूंगी सो दैट आई कैन इजिली मूव इट. देन यहाँ पे जाके मैं इसे फिट कर दूंगी सो दैट इट क्रॉप ना हो. And then I don't want it to dissolve, so I'll just put it to zero. And yeah, suppose I can move this. The best part is ki main ise kahin bhi move kar sakti hu apni screen pe. Mujhe yahan pe chahiye, yahan pe chahiye, yahan pe, anywhere. And I can reduce the size as well. So suppose I want to add it 10. Or yeah. So now when I will play this, here and it is, oh my god! So that's it for today's video guys. I hope you enjoyed this video. I hope this video was useful. Agar aapko video pasand aaye to please like, share and please comment on my video and please share it with your friends. Also please follow me on my Instagram. My Insta handle is this, like it's listed here or here. It's Tanvi Gupta 11. And yeah, I will see you in my next one guys. Till then, bye bye, take care.